भागलपुर के रास्ते मालदा टाउन से एक नई ट्रेन का शुरुआत 24 अप्रैल से किया जाना है और यह ट्रेन एक नई सुपर फास्ट ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन होगी जिसका हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। दरअसल भारतीय रेलवे की तरफ से इस नई ट्रेन का शुरुआत किया जाना है। उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब, जिससे आने वाली नई ट्रेनों का लेटेस्ट वीडियो अपडेट लगातार मिलता रहे। यह ट्रेन ट्रेन नंबर 03415 के साथ मालदा टाउन से लाल कुआं के बीच चलाई जाएगी। ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन बनकर इस ट्रेन का संचालन 24 अप्रैल यानी कि प्रत्येक बुधवार को मालदा टाउन से किया जाएगा। टाइमिंग शेड्यूल्स की बात करें तो यह ट्रेन मालदा टाउन से शाम में 5:15 पर रवाना होगी, जिसके बाद यह ट्रेन साहिबगंज, भागलपुर, जमालपुर, पटना, बक्सर के रास्ते वाराणसी लखनऊ होते हुए लाल कुआं दूसरे दिन शाम में 7:05 पर यह ट्रेन पहुंचेगी। वापसी दिशा में यह ट्रेन 03416 के साथ लाल कुआं से मालदा टाउन के लिए 25 अप्रैल को यानी कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलाई जाएगी, जहां पर कि लाल कुआं से रात 9:05 पर यह ट्रेन प्रस्थान करेगी और लखनऊ, वाराणसी, पटना, किउल, भागलपुर होते हुए दूसरे दिन मालदा टाउन रात 11:45 पर पहुंचेगी। इस ट्रेन में मिलने वाले सुविधाओं के बात करें तो यात्रा के दौरान पैसेंजरों को 21 अन्य रिजर्वेशन कैटेगरी का कोच का सुविधा मिलेगा। खास बात यह होगी कि यह एक स्पेशल ट्रेन होगी जिसका संचालन आगामी 24 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, यानी कि कल से यह ट्रेन मालदा टाउन से रवाना की जाएगी। इसके अलावा इस ट्रेन के रूट और स्टॉपेज की बात करें तो यह ट्रेन मालदा टाउन से खुलने के बाद बढ़ावा जंक्शन, साहिबगंज, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर, अभयपुर, किउल, पटना, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, लखनऊ होते हुए लाल कुआं जंक्शन को जाएगी। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।